हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग लाभ हानि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामों में अधिकतर पुट अप किया जाता है। जैसे ग्रुप डी की बात कर दिया जाए, पुलिस की बात किया जाए, यूपी पुलिस की बात किया जाए, या फिर आप एसआई की बात कर सकते हैं, जीडी की बात कर सकते हैं, आने वाले बहुत सारे एग्जाम जैसे सुपर टेट की बात कर सकते हैं, है ना। इस ऐसे सारे एग्जामों में क्या हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे इसका जिससे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि इसको कैसे जल्दी से लगाया जाता है ना। आप हमेशा याद रखिएगा, मैं जिस तरह से बताता हूँ उसको ध्यान से देखा करिए आप लोग। आपको मैं ज्यादा से ज्यादा आसान तरीका बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको हमेशा क्या रहे, सवाल कैसे जल्दी से लगाया जाता है एग्जामों में आपको पता चल जाए, है ना। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे जल्दी से लगाते हैं। पहले इसको हम आपको फार्मूले पे बताएंगे, फार्मूला पे कैसे लगाया जाता है और डायरेक्ट कैसे लगाया जाता है बिना फार्मूला के, है ना। तो आइए देख लेते हैं पहले फार्मूला क्या है इसके लिए। तो पहले सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है, क्या है ना। तो सवाल देखते हैं, कह रहा है कि विनय हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची। विनय ने एक हाथ घड़ी जो था वो 75 रुपए में बेचा, बोला है जिससे उसको घड़ी के लागत कीमत के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ। कह रहा है कि 75 रुपए में वो घड़ी को बेचता है ना। उसको क्या होता है, घड़ी बेचता है तो उसको जो लाभ प्रतिशत होता है वो उसके लागत कीमत के बराबर प्राप्त होता है, ये बोला है सवाल में। कह रहा है तब उसकी लागत क्या है, तो फार्मूला होता है लागत कीमत या फिर क्रय मूल्य या फिर सीपी यानी कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, आपसे पूछा है कास्ट प्राइस क्या होगा। कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को बोला जाता है कास्ट प्राइस। हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं आपको सीपी, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस बराबर होता है आपका फार्मूला होता है 10 अंडर रूट में 25 प्लस एसपी। एसपी यानी याद रखिएगा सब लोग, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, है ना, यानी विक्रय मूल्य, कितने रुपए में वो बेच देता है, ठीक है। माइनस हो जाएगा 50। ये है आपका फार्मूला, याद रखिएगा, ये सिर्फ क्रय मूल्य का फार्मूला नहीं होता है, ये आपका लाभ प्रतिशत का भी फार्मूला होता है। याद आपको ये रखना है कि अगर प्रॉफिट परसेंट भी पूछे तब भी आपका क्या होगा, यही फार्मूला लगाया जाएगा और आंसर जो आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो क्रय मूल्य होगा वही आपका क्या होगा, लाभ प्रतिशत भी होगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि जिससे उसको क्या होता है, जब वो बेचता है वस्तु को तो उसके लागत कीमत के बराबर ही क्या हो जाता है, लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है। यानी जो उसकी लागत कीमत है उसके बराबर ही क्या होता है, लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है। यानी लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों क्या है, प्रॉफिट परसेंट और कास्ट प्राइस दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हमेशा याद रखिएगा सीपी जो आएगा यानी कास्ट प्राइस जो आएगा वही क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट भी होगा। अगर पूछेगा सवाल में कि प्रॉफिट परसेंट क्या है उसका, लाभ प्रतिशत क्या है उसका, तो हमेशा याद रखिएगा जो क्रय मूल्य आएगा वही उसका लाभ प्रतिशत भी होगा, ठीक है। तो आइए इस पर रख लेते हैं। बोल रहा है कि इसे बेच देता है, कितने रुपए में बेच देता है, 75 रुपए में बेच देता है। देखिए 75 रुपए में बेच देता है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, सॉरी पहले आपको लिखना था क्या, 25 है ना, फॉर्मूले का 25 प्लस कितने रुपए में बेच देता है सेलिंग प्राइस, तो 75 रुपए में क्या करता है, बेच देता है, माइनस हो जाएगा 50। अब इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, जोड़िएगा 75 में 25 तो हो जाएगा 100 यानी 100, माइनस हो जाएगा 50। अब क्या करना है आपको, बस आप कर दीजिएगा अंडर रूट से बाहर, ये हो जाएगा 10 गुणे 100 का वर्गमूल निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 10, माइनस हो जाएगा आपका 50। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस 50, जब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा यानी घटाइएगा तो आएगा आपका 50 रुपया।
अगर रुपए में पूछेगा तो 50 रुपए आंसर होगा, अगर प्रतिशत पूछ दिया तो यही आपका प्रतिशत हो जाएगा, यानी 50% आपका प्रतिशत अगर पूछ दिया लाभ प्रतिशत तो आपका प्रतिशत हो जाएगा 50%। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। अगर लगाना है आपको बेस पे लगाना है यानी फार्मूले पे लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इस पे नहीं लगाना है तो अभी हम आपको बताएंगे कि जल्दी से कैसे सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं आप लोग कि आंसर क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे लगाएंगे जल्दी से। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए आइए, अब हम आपको पहले तो आपको हम बता दिए फार्मूले पे कैसे लगाएंगे, जो फार्मूला आपकी किताब में दिया गया है जल्दी से उस पर कैसे लगाते हैं, तो अब बता दिया आपको कि इस तरह से लगाया जाता। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक पे लगाते हैं जल्दी से कैसे लगा सकते ना। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सवाल में बोले कि उसे बेचता है और उसको लागत कीमत के बराबर क्या हो जाता है, लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाता है बराबर। हमेशा याद रखिएगा, लागत कीमत या क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाए। तो हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, कौन सा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कितने में बेच देता है, हमेशा याद रखिएगा जितने में बेच देता है उसका दो ऐसा खंड करिएगा जिसका अंतर 10 आ जाए, इसका दो ऐसा खंड करिएगा जिसका अंतर क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो चलिए खंड कर लेते, कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि 15 और 5, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 15 5 75 और माइनस जब करिएगा तो आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, बस एक चीज आपको याद रखना है, कभी भी सेलिंग प्राइस दे और बोले कि उसे लाभ प्रतिशत उतना ही प्राप्त होता है जितना उसका क्रय मूल्य है या लागत मूल्य है, कभी भी इस तरह से बोल दे, बराबर की बात कर दे लाभ प्रतिशत का किसके, क्रय मूल्य के, तो हमेशा याद रखिएगा विक्रय मूल्य का दो ऐसा खंड कर दीजिएगा जिसका अंतर 10 आ जाए। तो देख सकते हैं आप, 75 का दो खंड होगा क्या, 15 और 5, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा और अंतर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है आपको, बस दो ऐसा खंड कर देना है जिसका अंतर 10 आ जाए। ठीक है, कर दिए आप, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जो छोटा वाला दिख रहा है, जो छोटा वाला नंबर दिख रहा है उसके पीछे 0 बढ़ा दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस जो छोटा वाला दिख रहा है नंबर उसके पीछे 0 बढ़ाइएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा फार्मूले पे भी आया था 50, देखिए इसमें भी क्या आया, 50। बस आपको याद इतना ही रखना है कि छोटे वाले नंबर के पीछे 0 बढ़ाना है, बड़े वाले नंबर के नहीं, किसके, छोटे वाले नंबर के पीछे 0 बढ़ाना है, तो आपका जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल कैसे लगाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग ये सवाल है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल, फिर से ध्यान से समझिएगा, हम आपको ट्रिक पे जल्दी से बताएंगे कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं सवाल क्या है हमारा। कह रहा है कि एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है, फिर देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है कि कुर्सी को क्या कर दिया जाता है, 144 रुपए में बेच दिया जाता है, तो कह रहा है कि तो उतना ही लाभ प्रतिशत होता है, उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना कुर्सी की लागत है, कह रहा है जितना कुर्सी का लागत है उतना ही क्या हो जाता है, उसे लाभ प्रतिशत होता है जब उसे 144 रुपए में बेचा जाता है। याद रखिएगा, हमेशा इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, जब किसी वस्तु को कुछ रुपए में बेचा जाए और उसे उतने ही प्रतिशत का लाभ हो जाए जितना उसका लागत या क्रय मूल्य है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, बस तुरंत क्या करना होता है, जो हमारा सेलिंग प्राइस दिया गया होता है, सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है, 144 रुपया, जो हमारा सेलिंग प्राइस दिया गया होता है बस उसी का दो ऐसा खंड कर दिया जाता है जिसका अंतर 10 आ जाए। हमेशा याद रखिएगा, दो ऐसा खंड करना है इसका जिसका अंतर क्या आ जाए आपका,
10 आ जाए। तो चलिए आइए अंतर कर देते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि 18 आठे होता है 144 होता है। देखिए माइनस जब करिएगा तो हो जाएगा कितना 10। समझ में आ रहा है आपको? कभी भी याद रखिएगा ऐसा सवाल दे तो आप तुरंत आपको क्या करना होता है, तुरंत आपको सेलिंग प्राइस का दो ऐसा खंड कर देना होता है ना, दो टुकड़े में बांट देना होता है जिसका अंतर क्या आ जाए 10 आ जाए, और गुणा करने पर इतना आना चाहिए जितना सेलिंग प्राइस है। तो 18 का जब 8 में गुणा करिएगा तो 144 आ जाएगा, और 18 में से जब 8 माइनस करिएगा तो 10 आ जाएगा आपका। याद आपको बस इतना ही रखना है कि दोनों का अंतर हमेशा 10 आना चाहिए, दो ऐसा खंड होना चाहिए जिसका अंतर 10 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप कर खंड कर लिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस छोटा नंबर जो भी दिख रहा होगा उसी के पीछे क्या कर देना है, जीरो बढ़ा देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा, यानी लागत कीमत हो जाएगी। कास्ट प्राइस कितना रुपया आ गया आपका, 80 रुपया। अगर लाभ प्रतिशत की बात कर देता कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो हमेशा याद रखिएगा लाभ प्रतिशत भी इतना ही होगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्या है, क्रय मूल्य है। यानी कास्ट प्राइस जितना है उतना ही उसका क्या है, लाभ प्रतिशत भी है। यानी 80 रुपया अगर उसका लागत कीमत है तो उसका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत भी क्या होगा, 80% भी होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ऐसे जल्दी से लगाइएगा इस तरह का, कभी भी सवाल दे तो ऐसे जल्दी से लगाइएगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और जल्दी से आपको हम समझाते हैं कि कैसे करते हैं ना। तो समझ में तो आ ही गया होगा, आई होप अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि इसका लाभ उनको भी हो जाए। ठीक है, आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि ये पूछ दे सवाल, तो आप इसको ध्यान से समझिए। आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं और लगाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों जल्दी से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसको कैसे लगाएंगे। बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल जैसा अभी आपको बताया गया, बिल्कुल वैसा ही सवाल। ठीक है, आइए एक बार फिर से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग लगा रहे हैं इसको जल्दी से। ठीक है, आइए देख लीजिए। बोल रहा है सवाल आपका, बोल रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो कह रहा है कि वस्तु का प्रतिशत लाभ क्या है, प्रतिशत लाभ पूछा है, यानी लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है। बस आपको फिर एक बार फिर से बता देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, समझना क्या है। विक्रय मूल्य दिया हो और उतने ही प्रतिशत का लाभ हो जाता है जितना उसका क्रय मूल्य है। हमेशा याद रखिएगा लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के क्या हो, बराबर हो। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा उस केस में सेलिंग प्राइस का दो ऐसा खंड करते हैं जिसका अंतर क्या आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, तो आइए सेलिंग प्राइस देख लेते हैं क्या है हमारा। सेलिंग प्राइस आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है, कितना रुपया है सेलिंग प्राइस, तो आप देख रहे हैं कि 24 रुपया हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। दिख रहा है आपको सेलिंग प्राइस कितना है, 24। 24 का दो ऐसा खंड कर दीजिएगा जिसका अंतर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आइए खंड कर देते, तो आपको पता है कि 12 और 2, 12 का गुणा जब 2 में करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 24, और इनका अंतर जब निकालिएगा तो आएगा कितना, 10 आया ना आपका। बस जल्दी से तुरंत करिएगा फट से, और पीछे क्या किसकी जीरो बढ़ाना है, तो जो छोटा वाला नंबर है उसी के पीछे जीरो बढ़ाइएगा, यही हो जाएगा आपका प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, अगर क्रय मूल्य की बात करेगा, लागत मूल्य की बात करेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, लागत मूल्य भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जल्दी से करिएगा। अभी तो लाभ की बात कर रहा था, अगर इसी में हानि की बात करने लगे, है ना, कि हानि हो जाता है अगर इसको 24 रुपए में बेचा जाता है। अगर सवाल यहीं पे चेंज कर दिया जाए थोड़ा सा, अगर सवाल को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो यहीं पे क्या बन जाएगा हमारा, हानि का भी सवाल बन जाएगा। आइए बना लेते, है ना। कह रहा कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की, उतना ही प्रतिशत हानि। बस यहां पे क्या कर दीजिएगा,
हानि, हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। सवाल बन गया आपका, तो पूछ सकता है क्या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या है। देखिए हम यहीं पे क्या कर दिए, आपका दूसरे टाइप का सवाल बना दिए। दूसरे टाइप का सवाल क्या है हमारा, यहाँ पे लिखा गया ऊपर, जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो। अभी तो हम लोग सबसे अभी तो हम लोग लाभ ही निकाल रहे थे कब से, अब देखिए यहाँ पे हानि की बात करने लगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो कह रहा है कि वस्तु का प्रतिशत हानि क्या है, अब हानि प्रतिशत पूछने लगा। तो याद आपको ये रखना है कि उसमें हम लोग योग कर रहे थे लाभ वाले में, इसमें हम लोग सॉरी उसमें अंतर कर रहे थे लाभ वाले में, दो ऐसा खंड कर रहे थे सेलिंग प्राइस का, लाभ के बारे में बता रहे हैं। लाभ वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, ऐसा सेलिंग प्राइस का दो ऐसा खंड कर रहे थे जिसका अंतर दर्शा रहा था। अब इसमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस का दो ऐसा खंड करिएगा जिसका योग क्या आ जाए, दस आ जाए। क्या आना चाहिए, दस आना चाहिए, योग दस आना चाहिए। तो चलिए आइए दो खंड कर लीजिए, कौन कौन से खंड होंगे, तो छह होगा और चार होगा। देखिए मल्टीप्लाई करिए, छह चौक 24 और जोड़िएगा दोनों को तो आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा उतने ही प्रतिशत की हानि हो जाए जितना उसका क्रय मूल्य है। तो हमेशा याद रखिएगा सेलिंग प्राइस का दो ऐसा खंड करिएगा जिसका योग क्या आ जाना चाहिए, योग क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। दो ऐसा खंड होना चाहिए जिसका योग क्या आना चाहिए, 10, और दोनों के पीछे जीरो बढ़ा दीजिएगा। क्या करना है, दोनों नंबरों के पीछे जीरो बढ़ा देना है और दोनों ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, दोनों ही संख्या के पीछे जीरो बढ़ाना है और दोनों ही आंसर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि हानि हो रहा है तो हानि के केस में हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। तो देखिए विक्रय मूल्य 24 है और क्रय मूल्य हमारा क्या आया, 140 आया और 160, दोनों ही क्या है विक्रय मूल्य से ज्यादा है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा हानि के केस में जो दोनों नंबर आएंगे दोनों के पीछे जीरो बढ़ाइएगा और दोनों ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में दे देता है कोई एक और एक नहीं देता है ऑप्शन में तो हमारा आंसर वो हो जाएगा। याद रखिएगा कोई एक अगर ऑप्शन में दे दिया, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दे दिया तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसी सवाल का ऑप्शन ऐसे दे देता, ऑप्शन देता 40, ऑप्शन देता फिर 70, ऑप्शन दे देता आपका 90, ऑप्शन दे देता आपका, ऑप्शन दे देता आपका 30, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना। तो ऑप्शन दिख रहा है 40, तो 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ऑप्शन दे देता, ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, 60 दे दिया और इनमें से कोई नहीं, तो याद आपको ये रखना है कि दो दो ऑप्शनों में दोनों दिखाई दे रहा है, अलग अलग ऑप्शनों में दोनों दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। याद रखिएगा कभी भी एक ही ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन में दोनों दे दे तो दोनों ही नहीं होगा, क्या होगा इनमें से कोई नहीं होगा। अगर इस तरह से दे दे, इस तरह से आपका सवाल दे दे 40 और 60 ऐसे दे दे तब भी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप देखिएगा ऑप्शन में खोजिएगा कौन सा दिख रहा है, कौन है कौन नहीं है, दोनों ही है तो कोई नहीं होगा, दोनों अगर एक ही ऑप्शन में दिया गया है तो वो होगा, अगर कोई एक दिया गया है ऑप्शन में तो वो आपका आंसर हो जाएगा। वरना इस तरह से अगर ऑप्शन दे कि दो अलग अलग ऑप्शनों में दोनों दे दे और इनमें से कोई नहीं एक दिया हो तो इनमें से कोई नहीं ही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिएगा क्या करना है। अगर लाभ अगर हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमेशा सेलिंग प्राइस का दो ऐसा खंड करिएगा जिसका योग 10 आ जाए और दोनों के पीछे जीरो बढ़ाइएगा और दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
तो आप याद रखिएगा इस तरह से करना है। आइए कोई और भी एग्जांपल लेते हैं और जल्दी से लगा के देखते हैं कि कैसे लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। फिर आपका हानि वाला सवाल लेके आया है। हानि प्रतिशत जब हो जाती है और किसके बराबर होता है उसका हानि प्रतिशत, तो क्रय मूल्य के बराबर होता है ना। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। देखिए सवाल क्या दिया गया है, एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है, एक वस्तु है जिसको 21 रुपए में बेचा जाता है, तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु को खरीदी गई है। कह रहा है कि उतने ही प्रतिशत का हानि हो जाता है जितने में वस्तु को खरीदा गया है। बोल क्या रहा है सवाल में कि जब उसे 21 रुपया में बेचा जाता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि हो जाती है जितने में वस्तु को खरीदा गया है। खरीदा गया यानी क्रय मूल्य की बात कर रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या है आपका, उतना ही है जितना उसको हानि प्रतिशत हो जाता है ना, या हानि प्रतिशत उतना ही हो जाता है जितने में वस्तु को खरीदा गया था। तो कह रहा है कि तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया, क्या बोला गया, वस्तु को कितने में खरीदा गया, यानी कास्ट प्राइस की बात कर रहा है। तो आपको फिर से बता देते कि अगर सेलिंग प्राइस दिया हो और उतने ही प्रतिशत का क्या हो जाए, हानि हो जाए जितना उसका क्रय मूल्य है, तो आप क्या करिएगा, हानि जब भी हो जाए तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस का दो ऐसा खंड कर देना है जिसका योग क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो आप देख रहे हैं इसका खंड क्या हो सकता है, तो 7 और 3, 7 और 3 का जब मल्टीप्लाई करिएगा 7 और 3 का तो आएगा 21, 7 और 3 का जब गुणा करिएगा तो आपका क्या आएगा गुणनफल, तो 21 आएगा, और दोनों का जब योग कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 10। समझ में आया, दोनों का योग, जब हानि प्रतिशत होता है तो दोनों का योग हमेशा क्या आना चाहिए, दो ऐसा खंड होना चाहिए जिसका योग हमेशा 10 आ जाए। तो हमेशा याद रखिएगा दोनों के पीछे 0 बढ़ाइएगा और दोनों ही हमारा क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा, दोनों ही हमारा क्या है, कास्ट प्राइस है। ठीक है ना, याद आपको ये रखना है कि कभी भी हानि हो जाए तो सेलिंग प्राइस का ऐसा दो खंड करिएगा जिसका योग 10 आ जाए और दोनों के पीछे क्या कर दीजिएगा, 0 बढ़ा दीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। याद रखना है आपको कि योग हमेशा 10 आना चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस आपको फिर से बता देते, कास्ट प्राइस की बात करेगा तो 30 हो जाएगा और 70 हो जाएगा। अगर हानि प्रतिशत की बात करेगा यानी लॉस परसेंट की बात करेगा तो आपका लॉस परसेंट भी इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन खोजिएगा, ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया गया है और जल्दी से इस सवाल को ऐसे लगा लीजिएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया भी होगा और हमको लग रहा है कि आप कभी जिंदगी में ये नहीं भूलेंगे जब तक आप सिलेक्शन न पा जाए, है ना। तो ऐसे करिएगा सवाल को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और एक लाइक तो जरूर करिएगा, जो भी वीडियो को देखे कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को बताइएगा कमेंट में लिख के कि क्या आपको कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, है ना, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा। और चैनल में अगर नए होंगे तो जरूर चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।